हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, पुलिस मुख्यालय और शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में रैपिड एक्शन टीम बनाई गई है, जिसमें 1616 की 3 टीमें हैं कुल। और इनका मुख्य कार्य यह है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति में पुलिस सहायता की आवश्यकता पड़ती है, कोरोना पीड़ित व्यक्ति के साथ हैंडलिंग करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को, तो उनकी मदद के लिए टीम बनाई गई है। और इसको हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की मदद से अच्छी तरह से ब्रीफ कराया है, इनको प्रशिक्षित कराया है। आज इस टीम के लिए हमने कुछ ड्रेसेस मंगवाए हैं नोएडा से, उनका वितरण किया गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है या स्वास्थ्य विभाग को मिलता है जो सहयोग नहीं कर रहा है और जिसके लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता है, तो उस उद्देश्य को लेकर के इनको जो है ड्रेस दिए गए हैं और ड्रेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये खुद सुरक्षित रह सके और उसमें पुलिस का सहयोग संबंधित विभाग को मिल सके। सर, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कितनी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं? देखिए, हमने हज़ारों की संख्या में मास्क और सैनिटाइजर्स जो है मार्केट से लिए हैं और अपने कर्मचारियों को वितरित किया है, उन्हें जागरूक किया है, उन्हें सैनिटाइज किया है कि कम से कम जहाँ जाएँ खड़े हों, लोगों को ब्रीफ करें, साथ ही जहाँ पर हैंडलिंग की आवश्यकता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कॉल किए जाने पर उनकी मदद के लिए भी जा सकें। एक डॉक्टर लगातार हमारी टीम के साथ चल रहे हैं और हमारी टीम वेल इक्विप्ड है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।